Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I am here with you in the continue video for chapter 5, that is periodic classification of elements. So students, in today's video I welcome all the students who are watching this video, and as you all know, this is the part 2 video for the same chapter. And in our previous video we have studied how Lavoisier classified the elements. We have also studied what is the meaning of Dobernier triads, what are the limitations for Dobernier triads, and at last we have also studied Newland law of octave. So today we will study about Mendeleev's periodic table, by which the chemistry's picture changed drastically. Okay, Mendeleev have a very good contribution in the field of chemistry because he classified the element in somewhat right way, not in a complete right way. थोड़ा बहुत उनका टेबल है वो अच्छे से अरेंज हुआ था. कैसे हुआ था वो आज हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो मेंडेलीव अरेंज 63 एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इन द पीरियोडिक टेबल. उन्होंने 63 एलिमेंट को अरेंज किया. कितने हैं 63. अकॉर्डिंग टू द मेंडेलीव, व्हाट वाज द main law of Mendeleev, the properties of the element are a periodic function of their atomic mass. मतलब कोई भी element की property है वो mainly किसके ऊपर depend करेगी, उसके atomic mass के ऊपर. किसके ऊपर students, atomic mass के ऊपर. मतलब कि proton plus neutron की जो value है उससे सभी element की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करने वाली है एटॉमिक मास के ऊपर. सो दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास. कोई भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो किसका फंक्शन है, एटॉमिक मास का फंक्शन है. मतलब एटॉमिक मास ज़्यादा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, कम तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर फर्दर. सो हाउ मेंडेलीव डिवाइडेड हिज टेबल, वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. You can see that Mendeleev have divided the elements into two parts. First is group and second is period. See students, group is arranged in a vertical rows and horizontal rows. दो तरीके से हैं, आप बोल सकते हो vertical column है उसको group. ठीक है, ये groups हैं. So ये column, column is nothing but your group. Okay, column is your group and 1, 2, 3 up to 12. So these all are arranged in row, and in row there is a periods. Okay, so there were how many groups according to Mendeleev? 8 groups, and how many period? 12 periods were there according to his table. The element belonging to first 7 group, dekhiye students, maine yahan pe highlight kiya hai, were divided into सब ग्रुप्स डेजिग्नेटेड एज ए एंड बी. आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए और बी सब ग्रुप्स हैं. ठीक है, ए और बी, जैसे वन है तो वन का ए, वन के ए में हाइड्रोजन आता है. ठीक है, और स्टूडेंट्स आप सभी एलिमेंट्स देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अरेंज्ड, मोस्टली हैं, नहीं भी है थोड़े बहुत एलिमेंट्स. आप देखो वन, वन के बाद 6.93, दिस इज द एटॉमिक मास. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एटॉमिक मास. ओके, रिमेंबर इट. जैसे मेंडेलीव ने बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो किसकी फंक्शन में है, एटॉमिक मास के फंक्शन में. तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में ही पूरे टेबल में सभी एलिमेंट्स को प्लेस किया है, 9, 10. ठीक है, और सभी कॉलम्स मतलब ग्रुप्स में देखिए, सब ग्रुप्स है ए और बी. द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड कंस्टिट्यूट सब ग्रुप ए, वेल दोज ऑन राइट साइड कंस्टिट्यूट सब ग्रुप बी. ओके, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 8 देख सकते हो, कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट अरेंज्ड इन अ ट्रियाड. मतलब कि ये एक ट्रियाड है और ये भी एक ट्रियाड है, दो ट्रियाड्स है स्टूडेंट्स. ठीक है, ग्रुप नंबर 8 में और एक ट्रियाड यहां पे नहीं है, मैं और एक पिक्चर है उसमें दिखाऊंगा. तो तीन ट्रियाड्स है ग्रुप नंबर 8 में. ठीक है, तो अब सबको समझ में आ गया होगा, ग्रुप है वो 8 है, 8 ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है ए एंड बी. पूरा टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से अरेंज हुआ है. आगे ग्रुप नंबर 8 में ट्रियाड्स मिलेंगे आपको. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देर आर 6 पीरियड्स,
जैसे आपके टेक्स्ट बुक में वैसे तो 12th है, जैसे मैंने पहले दिखाया था वो ओरिजिनल मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, पर अभी आपको 6 पढ़ने हैं। तो देर आर 6 पीरियड, हाउ मेनी पीरियड स्टूडेंट्स, 6 पीरियड रो में है ना, तो रो में ये सब क्या है, पीरियड्स है, ठीक है। और ये जो कॉलम्स में है उसको बोलते हैं हम ग्रुप, ओके। तो 6 पीरियड्स हैं और 7 ग्रुप्स हैं। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट मोर एलिमेंट्स, 4, 5 एंड 6 आर डिवाइडेड इंटू 2 हाफ्स। देखिए स्टूडेंट्स, 5th पीरियड है वो 2 हाफ में डिवाइडेड है, 4th है, 5th है और 6th भी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को एकोमोडेट करने के लिए आप देख सकते हो 4th जो ग्रुप सॉरी पीरियड है उसमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड, मतलब कि सब ग्रुप्स बनाए गए हैं फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज के फॉर्म में। आगे जाते हैं, एट सम प्लेसेस स्टूडेंट्स मेंडलीव डिडंट फॉलो हिज ओन रूल। मेंडलीव ने क्या बोला था कि भाई मैं सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर ही रखूंगा, पर कभी कभी उन्होंने क्या किया, कभी कभी उन्होंने एटॉमिक मास के ऑर्डर को चेंज कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो रही थी उसको साथ में प्लेस करने के लिए, उसको ग्रुप में साथ में प्लेस करने के लिए उन्होंने ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को चेंज कर दिया था। मैं एक एग्जांपल दूंगा आप सबको, देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम के ऊपर। तो नॉर्मली अगर आप अरेंज करते हो तो आपको लगेगा कि ये दोनों की प्लेस थोड़ी आगे पीछे है, ठीक है। तो पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम, उस ये तीनों को देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पहले पोटेशियम आना चाहिए, पर पोटेशियम नहीं आएगा क्योंकि पोटेशियम ये जीरो ग्रुप है ना स्टूडेंट्स, वो इनर्ट ग्रुप है। इनर्ट ग्रुप का मतलब क्या है, वैलेंसी है जीरो, बट एज यू ऑल नो वैलेंसी पोटेशियम की जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी प्लेस जो है वो कहाँ पे रखी है, ग्रुप नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी है 1, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है क्यों ये इंटरचेंज्ड है, ठीक है, और पोटेशियम को आगे क्यों नहीं रखा है, क्योंकि मेंडलीव ने देखा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को सेम करने के लिए कोई एलिमेंट्स को मुझे थोड़ा रीग्रुपिंग, मतलब कि उसका ग्रुप नंबर चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो इन ऑर्डर टू मैच द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ही जस्ट चेंज्ड सम ऑफ द एलिमेंट प्लेसेस, ओके। नाउ दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वेर वॉज बिट सक्सेसफुल एज आई डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। सो द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट सिस्टमेटिक। जैसे ही स्टूडेंट्स एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया तो बहुत ईजी हो रहा था कोई भी एलिमेंट्स की स्टडी करने में, ठीक है। दैट इज इफ प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट, अभी देखिए स्टूडेंट्स अभी क्यों ईजी हो गया, तो मैंने और आप दोनों बता सकते हो कि ग्रुप जीरो में कौन होंगे जिसकी वैलेंसी जीरो है, तो फिर क्रिप्टॉन की वैलेंसी भी जीरो होगी, जीनोन की भी जीरो ही होगी, राइट। सो यू कैन ईजीली टेल नाउ द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज सेम एज मैग्नेशियम इज सेम एज कैल्शियम, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेकंड ग्रुप वाले सभी एलिमेंट्स की सेम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी सिस्टमैटिक एंड इजी टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट्स प्रॉपर्टी, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, मेंडलीव थॉट वेरी मच दैट इन फ्यूचर न्यू एलिमेंट्स कैन बी फाउंड, फ्यूचर में नए एलिमेंट मिल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मेंडलीव ने क्या किया, थोड़े थोड़े गैप्स छोड़ दिए थे। क्या छोड़े थे स्टूडेंट्स, गैप्स छोड़े हुए थे। अब देखिए स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे गैप्स थे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गैप था एक तो यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे भी रेड कलर से दिखाया है ये सभी गैप्स थे, ठीक है, जो मेंडलीव ने छोड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि आज नहीं तो कल नया एलिमेंट आएगा, ठीक है। और वो एलिमेंट का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स और उसका एटॉमिक मास है वो सब प्रिडिक्ट करके मेंडलीव ने पहले से ही दे दिया था, जो भी फ्यूचर में एलिमेंट आएगा उसका नाम हम कैसे रखेंगे। देखिए, मोर मेनी गैप्स वेयर लेफ्ट इन द टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट कुड बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड पोजिशन। प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर ली थी भाई उसकी प्रॉपर्टी यही होगी इसलिए इसकी पोजिशन यहाँ पे है, ठीक है। और वो गैप्स कहाँ पे है, मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आप सबको देख रहे हो, ठीक है।
आगे जाते हैं, उसका नामकरण कैसे होगा? मेंडलीव नेम्ड देम प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल, एक संस्कृत वर्ड से मेंडलीव ने बोला कि जो नए एलिमेंट्स आएंगे उसके पहले, प्रीफिक्स मतलब पहले ऐड करना, सफिक्स मतलब कुछ भी वर्ड के पीछे ऐड करना, तो उसका नाम होगा इक्का टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, इक्का टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। ठीक है, चलो इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सी दिस, गैलियम है उसका नाम होगा स्टूडेंट्स इक्का एल्यूमिनियम, क्या नाम होगा इक्का एल्यूमिनियम, क्यों? एल्यूमिनियम के बाद वाले एलिमेंट को स्किप करके जो एलिमेंट है उसका नाम वैसे ही होगा, मतलब गैलियम के ऊपर वाला एलिमेंट है उसको छोड़ दो, उसके ऊपर जो एलिमेंट है उसको ले लो आप, उसका वर्ड ले लो और उसके आगे आप इक्का लगा दो, राइट? सो इक्का इज प्लेस टू द प्रीसीडिंग एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, प्रीसीडिंग मतलब स्कैंडियम को नहीं कंसिडर करना है, गैलियम का नाम देना है तो इक्का एल्यूमिनियम, तो अभी आप जर्मेनियम का क्या नाम दे सकते हो, इक्का सिलिकॉन, ओके? सो जर्मेनियम का नाम क्या था, इक्का सिलिकॉन। ऐसे उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के ऐसे इक्का वाले नाम प्रपोज किए थे, जैसे इक्का एल्यूमिनियम मतलब गैलियम, जैसे हमने अभी देखा गैलियम मतलब इक्का एल्यूमिनियम जो उन्होंने पहले ही बोल दिया था, इक्का बोरोन मतलब स्कैंडियम, इक्का बोरोन मतलब स्कैंडियम। अब देख सकते हो स्टूडेंट्स स्कैंडियम है उसका नाम कैसे होगा, स्कैंडियम का नाम बोरोन से आएगा तो स्कैंडियम का नाम होगा इक्का बोरोन। सेम वे इक्का मैगनीज मतलब टेक्नेटियम, ट्राई मैगनीज मतलब रेनियम, अब ये सब आपके सिलेबल्स में नहीं है, ओके? सो नो नीड टू स्टडी दिस, तो ये इक्का वाले सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट? सो मेंडलीव थॉट वेरी मच दैट इन फ्यूचर इफ द एलिमेंट्स इज डिस्कवर्ड देन यू कैन गिव द प्रीफिक्स एज इक्का एंड द नेम वुड बी कमिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, ओके? राइट, आई हैव शोन। एंड इवन स्टूडेंट्स द एलिमेंट्स दैट द मेंडलीव प्रिडिक्टेड वाज सेम एज दैट इज दिस, मतलब कि स्टूडेंट्स एटॉमिक मास जो है वो भी सेम आ रहा था, अभी जो गैलियम का एटॉमिक मास है वो 69.7 और इक्का एल्यूमिनियम का था 68, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 का डिफरेंस है, बहुत ही कम है क्योंकि ये पहले ही फाउंड हो चुका था। और स्टूडेंट्स ऑक्साइड के फॉर्मूला भी सेम है, देखो E2O3, ठीक है, तो ऑक्साइड के फॉर्मूला भी कैसे थे, सेम थे, ठीक है, मतलब उसके उन्होंने वैलेंसी भी नए एलिमेंट्स की सही से प्रपोज की थी, ओके स्टूडेंट्स। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, तो स्टूडेंट्स जो डाउटफुल एटॉमिक मास थे उनको भी उन्होंने करेक्ट किया, ठीक है, कई सारे ऐसे थे एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक मास थे वो बहुत ही डाउटफुल थे, उनको उन्होंने करेक्ट किया था। मेनली करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ द सर्टेन एलिमेंट विद हेल्प ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजिशन एंड प्रॉपर्टी, जैसे ही उनको पोजिशन और प्रॉपर्टी मिली वैसे ही उन्होंने एटॉमिक मास को चेंज कर दिया था। लास्ट में उन्होंने एक इनर्ट गैस की पोजिशन फिक्स कर दी थी एक ग्रुप में, आप देख सकते हो, ठीक है, जीरो ग्रुप में सभी गैसेज है, वो कौन से गैस है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है उसकी वैलेंसी होगी जीरो क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल गैसेज गिने जाते हैं, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर, ऑर्डर डिस्टर्ब ना होकर उन्होंने अच्छे से इनर्ट गैस की एक पोजीशन फिक्स कर दी थी, ठीक है। चलो अभी आगे जाते हैं, तो ये था चार फीचर्स, मतलब कि ये चार कैरेक्टरिस्टिक थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, या फिर मेरिट्स आप बोल सकते हो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। अब स्टूडेंट्स फिर भी ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है वो फेल हो गया था, सो देयर वेर लिमिटेशंस फॉर मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन वॉज रिसेम्बलिंग सेम विथ अल्काली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम सोडियम और पोटेशियम से भी मिल रही थी, ये कौन है, ये अल्काली मेटल्स है, कौन है स्टूडेंट्स, अल्काली मेटल, अल्काली मेटल के साथ भी हाइड्रोजन सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा था और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये है हेलोजन्स, इनके साथ भी प्रॉपर्टी उनकी मैच हो रही थी, ठीक है। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विल बी गिवन डिफरेंट पोजिशन बट इफ एटॉमिक मास इज टेकन एज बेसिस बट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम। अभी स्टूडेंट्स देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने कभी भी हाइड्रोजन के आइसोटोप या कोई भी एलिमेंट के आइसोटोप के बारे में डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि आप सबने पढ़ लिया है 9th स्टैंडर्ड में आइसोटोप एक ऐसा
दूसरा फॉर्म होता है एक एलिमेंट का जिसमें एटॉमिक मास चेंज होता है। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन के ये तीन फॉर्म्स हैं, ठीक है, ड्यूटेरियम, ठीक है, ट्रिटेरियम, ये सब नाम आपने पढ़े होंगे, ठीक है, प्रोटोनियम, ठीक है। तो ये तीनों है वो आइसोटोप है, पर इनकी पोजिशन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखाई है। इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। द आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट पोजिशन। सही बात है ना, सेम एलिमेंट के आइसोटोप को भी पोजीशन तो अलग देनी पड़ेगी, क्योंकि मेंडेलियव ने पूरा टेबल है वो एटॉमिक मास के बेस के ऊपर बनाया है। इफ एटॉमिक मास इज टेकन एज बेसिस, अगर एटॉमिक मास का रेफरेंस से लेते हो तो तीनों आइसोटोप की पोजीशन अलग होनी चाहिए और वो पीरियोडिक टेबल में मेंडेलियव को दिखाना चाहिए। बट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम। उन्होंने ऐसे बोल दिया कि भाई प्रॉपर्टीज जो है आइसोटोप की सेम होगी सेम एलिमेंट में। सो दिस इज द वायोलेशन ऑफ द रूल दैट वॉज मेड बाय मेंडेलीफ इटसेल्फ। मेंडेलीफ ने बोला था दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डायरेक्ट फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। तो प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएगी, उन्होंने ही बोला था, और अभी वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी सेम है अगर एटॉमिक मास भी डिफरेंट है तो। सो दैट्स वाई दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। ओके, सेम वे कार्बन के भी आइसोटोप से आपको देख सकते हो। आगे जाते हैं, थर्ड एंड मोस्ट लिमिटेड कि स्टूडेंट्स द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सभी एलिमेंट को प्लेस नहीं किया। एट सम प्लेसेस ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वॉज चेंज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई फिजिकल एंड केमिकल नेचर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको, राइट, उन्होंने क्या किया, आगे पीछे किया था आर्गन और पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि आर्गन है उसकी वैलेंसी जीरो है, तो उन्होंने डायरेक्टली इनर्ट गैस में रख दिया। वैसे आर्गन आना चाहिए था ग्रुप नंबर वन में, पर उनको प्लेस किया है जीरो में, क्योंकि आर्गन की प्रॉपर्टी नियॉन से मैच करती है। बट दिस इज द मेजर फ्लो। ओके, सेम वे आप देख सकते हो यहाँ पे भी है टेलेरियम और इंडियम, सेम वे तीसरा एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल है, और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैच करने के लिए अपना खुद का रोल तोड़ा, जो इन रूल था जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करने का। ठीक है, आगे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे, और एक स्टूडेंट्स इनका जो था, और स्टूडेंट्स लास्टली मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ कि मेंडेलीव ने अपना टेबल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस के ऊपर भी बनाया था। मतलब कि ये सभी एलिमेंट को अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो प्रॉपर्टी सेम मिलती है। ठीक है, ये सभी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ मिलवाते हो तो भी उसकी प्रॉपर्टी सेम मिलती है, मतलब वो सेम ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं, इसलिए वो ग्रुप नंबर वन में है। तो दो बेसिस के ऊपर वो क्लासिफाई हुए थे, एक तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। मतलब द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप वॉज सर्विंग अ सिमिलियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये याद रखना, ये दो के बेस के ऊपर पूरा क्लासिफाई हुआ था। ये पूरे टॉपिक में से एक आपको मेरिट्स पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको पूरा ये सिस्टमेटिक ऑर्डर, सिस्टमेटिक स्टडी वाला लिखना है, प्रिडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास और पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस, ये सब मेरिट्स है। डीमेरिट्स मतलब लिमिटेशन, कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, आइसोटोप के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था, और कभी कभी उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने ही रूल को वायोलेट करके आगे पीछे एलिमेंट्स को कर दिया था। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।